सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमटीपी किट को लेने का एक सही तरीका क्या होता है। तो बिना किसी डिले के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल गाइज, अगर आप एमटीपी किट को लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, साथ ही मैं आपको एक मेथड भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है एमटीपी किट को लेते टाइम कि उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी कितनी है। कई बार ऐसे होता है कि जो एमटीपी किट हम लोग यूज़ कर लेते हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी हम लोग चेक नहीं करते, वो एक्सपायर होती हैं और हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग कि जो एमटीपी किट आप यूज़ कर रहे हो वो एक ब्रांडेड कंपनी की होनी चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि जो आप एमटीपी किट यूज़ कर रहे हो तो आप कमेंट कीजिए, एमटीपी किट का नाम मेंशन करना, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। अब तीसरी बात ये है कि एमटीपी किट को कभी भी डर के कारण नहीं लेना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं कि उनको पीरियड साइकिल मिस हो गए हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स लग रहे हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, मूड स्विंग, लोअर एब्डोमेन पेन जैसे उनको साइनो सिम्टम महसूस होते हैं और लोग घबराहट में ही एमटीपी किट को यूज़ कर लेते हैं। वेल, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, इसीलिए कभी भी आपको घबराहट में डर के कारण एमटीपी किट को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हार्मोनल पिल्स हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है, इसीलिए आप ज़रूर पहले प्रेगनेंसी को कंफर्म कर लीजिए कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो एमटीपी किट को बिना अल्ट्रासाउंड कराए ले लेते हैं। वेल, आपको हमेशा अल्ट्रासाउंड करा के ही एमटीपी किट को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिनको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात आती है एमटीपी किट को लेने का जो मेथड है वो क्या है। वेल, एमटीपी किट में आपको 5 टैबलेट मिलती है। जो पहली बड़ी गोली होती है मिफेप्रिस्टोन की होती है। ठीक है, यहाँ पर आप पिक देख सकते हो, ये ब्रांडेड किट है और इसकी जो पहली गोली है ये है मिफेप्रिस्टोन। इस टैबलेट को आपको पानी के साथ ही लेना होता है। ठीक है, इसको हमेशा पानी के साथ ही लें, खाली पेट नहीं लेना होता। पहले आपको ब्रेकफास्ट करना है या फिर डिनर करना है या फिर लंच करना है, जो भी वट एवर, लेकिन आपको खाना खाने के बाद ही लेनी होती है। मेरी एडवाइस माने तो आपको हल्का खाना ही खाना होता है इस टैबलेट को लेने से पहले। सपोज़ कीजिए कि अगर आप सुबह के टाइम इस टैबलेट को लेना चाहते हैं तो आपको 8 बजे के अराउंड लाइट ब्रेकफास्ट करना है मॉर्निंग में, और फिर सुबह 10 बजे आप पहली गोली को ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो 4 टैबलेट्स पेंडिंग है हमारी, उसका गैप कम से कम 48 घंटे के अराउंड का होना चाहिए, क्योंकि 48 घंटे का टाइम लगता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट होने का। ठीक है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि पहली गोली से, जो मिफेप्रिस्टोन की पहली गोली है, इससे प्रेगनेंसी हार्मोन ख़त्म होता है जिससे प्रेगनेंसी की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को होने में कम से कम 48 घंटे का टाइम लगता है गाइस। अगर इससे पहले आप टैबलेट्स लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेंडिंग 4 टैबलेट्स आपको 48 आवर्स के अराउंड लेनी है। तो पहली गोली हमने 10 बजे ली थी, तो जो पेंडिंग 4 टैबलेट्स है वो आपको 48 आवर्स में लेनी है। मतलब कि सपोज़ कीजिए कि अगर आपने आज सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, 10 बजे आपने टैबलेट ली है मिफेप्रिस्टोन की, तो फिर परसों को सुबह 8 बजे आप ब्रेकफास्ट करोगे और 10 बजे 2 टैबलेट्स आपने मिजोप्रोस्टोल की लेनी है। अब जो मेथड है गाइस वो है, या तो आप टैबलेट्स को जीभ के नीचे रख लो, ठीक है, या फिर आप गालों के बीच में भी रख सकते हो। ठीक है, अगर आप 10 बजे 2 टैबलेट्स गालों के बीच में या जीभ के नीचे रख रहे हो तो फिर उसके एग्जैक्ट 3 घंटे के बाद आप दोबारा से 2 टैबलेट्स गालों के बीच में या जीभ के नीचे रखें। और इस पूरे प्रोसेस में आपको कुछ खाना पीना नहीं होता, क्योंकि अगर वॉमिटिंग आती है तो फिर सारा जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाता है। कई बारी पेशेंट्स को वॉमिटिंग के चांसेस रहते हैं। कई बारी पेशेंट खुद बोल देता है कि सर मैं जीभ के नीचे या गालों के बीच में ये टैबलेट्स नहीं ले सकती, तो फिर आप ये जो मिजोप्रोस्टोल की टैबलेट है ये आप वजाइनली ले सकते हो, एक साथ 4 टैबलेट्स। ठीक है, सो
अगर आप ओरली लोगे तो मच बेटर रहेगा, क्योंकि वजाइनली इंसर्ट करने से कई बारी जो टैबलेट्स हैं वो निकल जाती हैं, पेशेंट को पता नहीं लगता है। तो अगर एक बार टैबलेट निकल गई तो वो अपना रिजल्ट नहीं देती है, ठीक है। तो फिर मैं बस यही एडवाइस करता हूँ पेशेंट को कि वो हो सके तो ओरली ही ले, और कभी भी ये टैबलेट्स पानी के साथ नहीं लेनी होती। तो ये मेथड था लेने का। अगर आप डिटेल में पूरी वीडियो को देखना चाहें तो MTP पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप YouTube पर जाएं MTP किट बायपासी चैंप करके सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।